ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मैं स्लाइड्स शेयर करूंगा आप सबके साथ। उसके पहले हम स्लाइड के साथ साथ हम ये चर्चा कर रहे थे चार प्रश्नों का। हाँ, आपने नोट किया होगा, लास्ट टाइम हमने चार प्रश्न कि भगवान सर्वव्याप्त है, सभी जगह है, तो इतने छोटे मूर्ति में कहो, विग्रह में कहो, कैसे समा सकते हैं, ये पहला प्रश्न था, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न आगे चलकर आप सब लोग जब अन्य लोगों के साथ रहते हो, कर्मी कहो जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक कहो, निराकारवादी कहो, जिसके कारण उनके ये कहने से भगवान का अस्तित्व है ही नहीं है, या भगवान इस विग्रह में नहीं हो सकते, या अन्य अन्य ऐसे कई प्रश्न जिसके कारण हमारे मन में शंका संदेह उत्पन्न हो सकता है, तो हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए कि हम इन्हें कैसे जवाब दे। अगर हम इसकी तैयारी नहीं रखते तो बार बार ऐसे सुनने से हमारे मन में निश्चित रूप से ऐसे संदेह होगा कि सचमुच क्या ये विग्रह में भगवान हो सकते हैं क्या। तो एक उदाहरण के लिए, जैसे कि समझो कि हम रोज भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, हमारे घर में विग्रह है, बाल गोपाल कहो, गौर निताय कहो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कहो, या राधा कृष्ण भी कहो, रोज हम की उनकी पूजा करते हैं, जप करते हैं, फिर भी कई बार ऐसे दुखों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, दुख आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है, तो हमारे मन में ऐसे लोगों का संग करने के बाद सचमुच शंका उठने लगती है कि सचमुच विग्रह में भगवान है, मैं इतना करती हूं करता हूं, फिर भी भगवान क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं हमें साथ देते हैं। तो इस तरह से हमारा विश्वास उड़ जाता है और हम फिर अपराधी बन जाते हैं। हमने देखे है अपने संस्था में ही कई लोग संस्था को छोड़ के चले गए हैं, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो हमारे दिमाग में कचरा भरते हैं, और उनका उत्तर देने के लिए हमारे पास ना हम तैयारी की है, ना हमारे पास कुछ उत्तर है देने के लिए उनको। तो ऐसे ही पहला प्रश्न जो है, मैं वीडियो शेयर करता हूं आप सबको, सॉरी स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन दिख रहा है आपको? इज इट क्लियर? स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो श्री विग्रह
और उनकी सेवाएं, पार्ट थ्री जो आज हम तीसरा यह है पार्ट, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट प्रश्न, तो लास्ट समय जो है, इसके पहले हमने इन चार प्रश्न, परम सत्य का कोई रूप नहीं है, ये सीमित रूप कैसे ले सकता है, मूर्ति पदार्थ से बनी है, भौतिक पदार्थ आध्यात्मिक कैसे बन सकते हैं, एनी हाउ ये बहुत, लेकिन पहला हम पहले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो भगवान का रूप जो है परिपूर्ण है, वो किसी में भी समा सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न हम इसका उत्तर दे देंगे। तो यहां कहा गया, द एब्सोल्यूट फॉर्म, द एब्सोल्यूट ट्रूथ हैज नो फॉर्म, हाउ इट कैन टेक लिमिटेड फॉर्म। ये निराकारवादी या अन्य ऐसे लोगों का ये कहना है, और वो उपनिषद से ऐसे श्लोकों का या प्रमाण दिखाते हैं, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, इसका ट्रांसलेशन, द सुप्रीम ट्रूथ हैज नो साउंड, नो टच, नो फॉर्म। ये कठोर उपनिषद में 1.3.15, तो ये वर्स है, ये वर्स का एक भाग है, ठीक है। अशब्दम, अशब्दम का अर्थ है भगवान शब्द भी नहीं है, ना बोल सकते हैं, ना हम उन्हें कुछ बता सकते हैं। और स्पर्शम मतलब भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते, और रूपम उनको रूप ही नहीं है तो कहां से स्पर्श करेंगे। द सुप्रीम ट्रूथ हैज नो साउंड, नो टच, नो फॉर्म, ये कठोर उपनिषद में दिए है। तो श्रील जीव गोस्वामी इन लोगों को ये कहते हैं, अरे अरे थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे उन्हीं उपनिषद में से ये साबित करके दिखाऊंगा। श्रील जीव गोस्वामी फिर ये श्लोक बताते हैं उपनिषदों में से ही, समझ गया ना, उपनिषदों में से ही वो ये श्लोक बताते हैं, सर्व कर्म, सर्व काम, सर्व गंध, सर्व रस। लेट्स सी इट्स ट्रांसलेशन, द एब्सोल्यूट ट्रूथ परफॉर्म्स ऑल डीड, हैज ऑल डिजायर्स, हैज ऑल फ्रेग्रेंस एंड टेस्ट। ये चांडक्य उपनिषद में 3.14.1 में क्या कहा गया है, ये भी उसका उस श्लोक का एक भाग है, सर्व कर्म, सर्व काम, सर्व गंध, सर्व रस। भगवान सारे कार्य करते हैं, सर्व कर्म, सर्व काम, भगवान सारी इच्छाएं रखते हैं, सर्व गंध, भगवान सारे गंधों के सार है, सर्व रस, भगवान सभी रस को आस्वादन करते हैं और वो सारे रसों के सार भी है, समझ गए। तो इस तरह से चांडोक्य उपनिषद में से श्रील जीव गोस्वामी ये मतलब भगवान इच्छा करते हैं, कार्य करते हैं, गंधों के सार है, रस है, तो ये सारे चीज बिना रूप के कैसे रह सकते हैं। कार्य करना है तो रूप होना चाहिए, इच्छा करना है तो रूप होना चाहिए, गंध मतलब सूंघना है या मतलब गंधों के सार भी है तो रूप होना चाहिए, और रस है भाव, तो ये रूप के बिना कैसे रह सकते हैं। तो लेकिन ये लोग जो है इम्पर्सनलिस्ट जो है, निराकारवादी जो है, ये अपने सिद्धांतों को स्थापित कर भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, रूप नहीं है, ऐसा साबित करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे
जीव गोस्वामी आगे बताते हैं, आप सिर्फ नकारात्मक रूप को प्रस्तुत कर, नकारात्मक भगवान के नकारात्मक या निराकार या नेगेटिविटी को ही दर्शाते हो, पॉजिटिविटी को क्यों नहीं दर्शाते हो? अन्य उपनिषदों में पॉजिटिविटी भी है, सकारात्मक भी है, हाँ, सर्व काम सर्व कर्म सर्व गंध सर्व रस, आप समझ रहे हैं? तो भगवान, ये हिंदी में है, किसी को हिंदी भाषी भक्तों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, ताकि फिर आप बाद में इसकी अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं, और इन श्लोकों को भी नोट कीजिए आप कि हम किस तरह से इन लोगों को उत्तर दे, समझ गए ना, इनको नोट कीजिए। तो अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, अभी तैतिरीय उपनिषद में ओम इति ब्रह्म, अभी ओम शब्द है क्या? नहीं, ओम शब्द है, इति ब्रह्म, ओम रिप्रेजेंट करता है भगवान को, ब्रह्म को प्रतिनिधित्व करता है ओम, ओम इति ब्रह्म। तो द एब्सोल्यूट ट्रूथ हैज नो साउंड, कहने वाले, हाउ कैन इट टेक फॉर्म ऑफ अ लिमिटेड साउंड? तो यहां पे इफ इट कैन हैव अ शब्द प्रकृति साउंड रिप्लिका, हमने इसकी भी चर्चा की है, कितने सारे 11 प्रकार के रूपों की चर्चा की हमने, उनमें प्रतिकृति भी आती है, प्रतिकृति मतलब एग्जैक्ट रिप्लिका। तो भगवान में, भगवान के रिप्लिका प्रतिकृति में, रूप में, उनके शब्द में, उनके संदेश में, उनके धाम में, उनके लीला में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, हम इस श्लोक को जानते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे ओम इति ब्रह्म, तो जो लोग अशब्दम अस्पर्शम अरूपम कहते हैं, उनके लिए ये तैतिरीय उपनिषद में से हम बता सकते हैं ओम इति ब्रह्म। तो शब्द कैसे नहीं बोल रहे हो? ओम ही ब्रह्म है, ओम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रह्म मतलब भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रूप में? प्रतिकृति, शब्द प्रतिकृति रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब शब्द ओम भगवान को प्रतिनिधित्व करता है या रिप्रेजेंट करता है, तो रूप क्यों नहीं कर सकता? देन व्हाई नॉट अ रूप प्रकृति? तो शब्द प्रकृति प्रतिकृति और रूप प्रतिकृति, तो ये लोग जो है भगवान को, अभी कई निराकारवादी ओम नाम का भी जप करते होंगे, है ना, करते भी है, ओम से शुरू कर सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और इतने बड़े भगवान जो सर्वव्याप्त आप कह रहे हो, मतलब निराकारवादी कह रहे हो, सब सर्वव्यापी भगवान जो है, इतने छोटे विग्रह में कैसे समा सकते हैं? तो सर्वव्यापी भगवान इतने छोटे एक शब्द ओम में कैसे समा सकते हैं? कैसे समा? तो ओम, वो ओम का स्मरण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं ये सब लोग। तो ओम इति ब्रह्म मतलब ओम भगवान को रिप्रेजेंट करता है, इतना ही नहीं, ओम भगवान ही है, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। तो ओम इति ब्रह्म, तो रूप इति ब्रह्म क्यों नहीं? सर्वव्याप्त भगवान एक ओम में समा सकते हैं, तो सर्वव्याप्त भगवान
तो रूप में विग्रह में क्यों नहीं समा सकते? आप समझ रहे इसे? क्लियर हो रहा है आपको? तो शब्द प्रतिकृति रिप्लिका एग्जैक्टली एज इट इज, भगवान एज इट इज। तो ओम को शब्द प्रतिकृति कहा गया है। हम देखते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में कितने रूप में अवतरित होते हैं, विल सी लेटर, ठीक है। ये हिंदी भाषी लोगों के लिए ओम इति ब्रह्म, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिया सबने? ओके, अभी देखिए ये, अब ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग ध्यान नहीं देते, ठीक से नहीं सुनते, ये समझ पाना बहुत कठिन है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में से ऐश्वर्य योगाद भगवान विरुद्ध अर्थो अभिधीयते, ये भागवत संदर्भ में से ये जीव गोस्वामी हमें बताते हैं कि हम किस तरह से उन्हें जवाब देना चाहिए। ऐश्वर्य योगाद भगवान विरुद्ध अर्थो अभिधीयते, इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, ड्यू टू हिज एटर्नल पोटेंसीज, भगवान अनेक असंख्य शक्तियों से युक्त है। श्री भगवान इज नोन एज विरुद्ध अर्थ, द एंटिटी हु कंटेन्स एंड हार्मोनाइजेज ऑपोजिट क्वालिटीज। विरुद्ध अर्थ है भी नहीं भी, ये है भी ये नहीं भी, शब्द है भी नहीं भी, रूप है भी नहीं भी। ये भागवत संदर्भ में 49th वर्स श्री जीव गोस्वामी कोट करते हैं, ऐश्वर्य योगाद भगवान विरुद्धो अर्थ अभिधीयते। तो इससे, और ये भगवान ही है, विरुद्ध अर्थ जो है ये भगवान में ही है। भगवान ऐसे एंटिटी है, ऐसे व्यक्ति है जिनमें विरुद्ध अर्थ हार्मोनाइज होते हैं, समझ गया ना। दोनों क्वालिटीज, दोनों गुण है भगवान में, है भी नहीं भी, ऐसे गुण है श्री जीव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं। तो भगवान के अनेक शक्तियों के कारण ही ये हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली कहा गया ऐश्वर्य योगाद भगवान, भगवान के इतने शक्तियों से, इतने सारे शक्तियां, इतने सारे पोटेंसीज है, और वो भी नित्य है। तो भगवान सर्वव्याप्त है तो इतने छोटे रूप में क्यों नहीं समा सकते? या भगवान इतने छोटे है तो इतने बड़े क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो सारे शक्तियों से युक्त है, इसलिए ये सारा संभव है। तो जीव गोस्वामी अनेक सकारात्मक, ये लोग सिर्फ नकारात्मक नेगेटिविटी ही भगवान की बताते हैं, लेकिन सकारात्मक भी भगवान है, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है, ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो श्रील जीव गोस्वामी नरसिंह तापणी उपनिषद में से ये कोट करते हैं, हमने शायद इसको सुना होगा, सुना है कि नहीं, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्युम नमाम्यहम। ये सुना है ना श्लोक, नरसिंह तापणी उपनिषद में से श्रील जीव गोस्वामी इस श्लोक को कोट करते हैं। क्या करते हैं? उग्रम अनुउग्रम, भगवान को गुस्सा भी आता है
और एकदम शांत भी हो जाते हैं, शांत भी है और उग्र भी है। वीरम अवीरम, भगवान वीर भी है और अवीर भी, किसी से हारे भी जाते हैं और सभी को सभी से जीत भी जाते हैं, यह वीर है, समझ गए ना, उनके भक्तों से हारे जाते हैं। वीरम अवीरम, महंतम अमहंतम, भगवान महान है, सर्वव्याप्त है, और फिर भगवान अणु भी है, महंतम अमहंतम। विष्णु सभी जगह व्याप्त है भगवान, अविष्णु व्याप्त नहीं भी है भगवान। ज्वलंतम अज्वलंतम, ज्वलंतम नरसिंह भगवान के मुख में से कैसे ज्वाला निकलने लगती है, या कैसे प्रकाश है, उनके नजदीक जा भी नहीं सकते, ज्वलंतम अज्वलंतम। सर्वतो मुखम असर्वतो मुखम, ये नरसिंह मतलब नरसिंह तापणी में ये व्याख्या, ये श्लोक है, ये वर्स है। सर्वतो मुखम, भगवान के मुख सभी जगह है। हम देखते हैं भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को सभी जगह देखे, उनके मुखों को देखे, उनके हाथों को देखे, उनके पैरों को देखे, उनके उदर को, सभी जगह। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, भगवान के सभी जगह मुख है, सभी जगह हाथ है, सभी जगह पैर है, लेकिन जब देखते हैं ना वो कितना भयानक है, अर्जुन ही जानते हैं कितना भयानक है, समझे। इसीलिए भगवान असर्वतो मुखम, सभी जगह मुख भी नहीं, विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और एक ही दिशा में देखने लगते हैं। असर्वतो मुखम, सर्वतो मुखम असर्वतो मुखम, आप समझ रहे हैं। तो ये विरुद्ध अर्थ जो है भगवान, ये भगवान में ही हो सकता है, अपने में नहीं, लेकिन कभी कभी हम इसका झलक, मैं जस्ट एक ऐसा सोच रहा था, एक 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 विचार आया। सपोज हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हाँ, ट्रेन में बैठे हैं और हमारी सीट है विंडो सीट, और विंडो सीट में बैठकर हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक जगह बैठकर जप कर रहे हैं। बट ट्रेन अहमदाबाद से सूरत जा रही है, बड़ौदा जा रही है, तो क्या हम एक जगह बैठे हैं? हाँ, मतलब एक जगह बैठे भी है और एक जगह है भी नहीं। ट्रेन चल रही है, हम सीट में बैठे हुए, हम सीट पर बैठे हुए अपने, और जप कर रहे हैं, कहते हैं मैं एक ही जगह बैठकर जप कर रहा हूं, हरे कृष्णा, लेकिन अहमदाबाद से आप सूरत तो पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, तो समझ रहे हैं ना आप सब लोग। इस तरह से भगवान उग्रम अनुग्रम, वीरम अवीरम, महंतम अमहंतम, विष्णुम अविष्णुम, ज्वलंतम अज्वलंतम, सर्वतो मुखम असर्वतो मुखम। एक झलक मैंने जस्ट उदाहरण के तौर पर दिया ऐसे, लेकिन साथ ही साथ दोनों दोनों विरुद्ध जो है, दोनों भगवान प्रदर्शित कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे श्लोक उपनिषद में है, लेकिन ये लोग जो है सिर्फ नकारात्मक, वो अपने आप मतलब भगवान को वो ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान सर्वव्याप्त है, लेकिन इतने छोटे रूप में कैसे समा सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो उनके लिए ये जवाब है, हमें तैयारी रखनी चाहिए, हमें तैयारी रखनी चाहिए। जब तक हमें ये पता नहीं कि तो ये लोग हमें डिफीट करते रहेंगे और हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और फिर भक्ति से दूर चले जाएंगे। तो ये सारे भगवान पर विश्वास और भगवान को प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्यों पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए जीव गोस्वामी ये सारे कोट कर रहे, ताकि आगे चलकर हम इस श्लोकों के माध्यम से, इस वर्ष के माध्यम से हम इन लोगों को जवाब दे सके। ऐसे कई प्रश्न
उठ सकते हैं। तो हमें तैयारी रखनी चाहिए। अभी ध्यान से सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी भाषी लोग। हाँ, ऐश्वर्य योगात भगवान विरुद्धार्थो अभिधीयते, ये जीव गोस्वामी भगवत संदर्भ में से कोट करते हैं। ओके, ना भगवान के इस भौतिक जगत में दो प्रकार से विस्तारित है। नाउ वी विल सी दैट। भगवान पहला शब्द प्रतिकृति, साउंड रिप्लिका। वेदास जो है, नाउ ध्यान से सुनिए, भगवान सर्वव्याप्त है और भगवान वेदस भी है, जिसको शब्द ब्रह्म कहा गया है। वेदस के रूप में, वेदों के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो इस भौतिक जगत में भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं। हाँ, इसे ध्यान से सुनिए, शब्द प्रतिकृति, साउंड रिप्लिका, साउंड के रूप में, जिसको हम वेद कहते हैं, और इसे शास्त्र शब्द ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म मतलब भगवान, ब्रह्म मतलब भगवान शब्द के रूप में है। और दूसरा रूप प्रतिकृति, शेप रिप्लिका, श्री विग्रह मूर्ति के रूप में, जिसे शास्त्र परम ब्रह्म कहते हैं। ये शास्त्र इन्हें परम ब्रह्म कहा गया। नाउ वील कोट दैट, कि इसका प्रमाण है। देखिए, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम उभे शाश्वती तनु। तनु भी शब्द हमने सुना है पहले, फर्स्ट क्लास में जो है, जब हम शुरू किए थे इंट्रोडक्शन, उस समय 11 टर्म्स जो है बॉडी के, उसको हमने सुना था 11 टर्म्स। तो हम जस्ट जाएंगे आगे, तो उनमें तनु भी आता है, तनु तनु है ना। तो यहां पे देखो, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम उभे शाश्वती तनु। शाश्वती मतलब एटर्नल, तनु मतलब फॉर्म। तो ट्रांसलेशन क्या है यहां पे, प्रभुपाद इसका अनुवाद बहुत सुंदर रूप से करते हैं, आप इसे पढ़िए। श्रीमद् भागवतम कह रहा है, ये कोई उपनिषद या कोई वेद या कोई अन्य नहीं, श्रीमद् भागवतम ये कह रहा है। इस श्लोक में से हम कोट कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम का 6वें स्कंद में 16वें अध्याय के 51वां श्लोक है ये। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम उभे शाश्वती तनु, भगवान स्वयं ये कह रहे हैं, दीज टू फॉर्म्स आर माइन, नेमली प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, द ट्रांसेंडेंटल साउंड and the eternal blissful spiritual form of the deity, Prabhupada likh raha hai, are my eternal forms, nitya shashwati tanu, they are not material, wo bhautik nahi hai, wo adhyatmik hai, aap samajh rahe, wo bhautik nahi hai, adhyatmik hai, ye swayam bhagwan keh rahe hai श्रीमद् भागवतम में। इसको खोलकर आप अच्छी तरह से प्रभुपाद के पर्पट्स भी पढ़िए, आपको और भी डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म, परम ब्रह्म मतलब रूप प्रतिकृति, शब्द प्रतिकृति मतलब शब्द ब्रह्म। ओके, यहाँ पे भगवान स्वयं, मम मतलब मेरा, तो मैं प्रकट उभे शाश्वती तनु, इस भौतिक जगत में मैं प्रकट होता हूं, लेकिन वो भौतिक नहीं है, ना विग्रह ना शब्द, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से तो पहला जो है ओम भी शब्द ब्रह्म है, वेद भी शब्द ब्रह्म है। यहां पे प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में प्रणव ओम है,
इसलिए वो भी शब्द ब्रह्म है और वेद भी शब्द ब्रह्म है। ये भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, समझ गए। तो इस तरह से इस भौतिक जगत में भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, एक है शब्द। इसलिए हरे कृष्ण जो है हम महामंत्र जप करते हैं, व्हाई वी से इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण हिमसेल्फ, क्यों कहते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र, मतलब भगवान से अभिन्न है, भिन्न नहीं है भगवान और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भी शब्द ही है ना, है कि नहीं? तो जब भगवान शब्द के रूप में प्रकट हो सकते हैं तो विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में क्यों नहीं हो सकते? ये हम पहले प्रश्न का जवाब अनेक प्रमाण के माध्यम से दे दिए। जीव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से इन सारे लोगों का खंडन करते हैं कि भगवान को रूप है, शब्द है। तो अस्पर्शम, स्पर्शम, अरूपम, रूपम, विरुद्ध अर्थ। भगवान जो है ये क्लियरली कहा गया है, ठीक है? नहीं तो इस तरह से हम पहले प्रश्न का जो है ये जवाब दिए हैं। तो कल हम दूसरे प्रश्न का जवाब की तैयारी करेंगे। इज इट क्लियर सभी को? हाँ, तो हिंदी में जो है, प्लीज, दो प्रकटीकरण, भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, शब्द प्रतिकृति, रूप प्रतिकृति। ओके, शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म, रूप प्रतिकृति को परम ब्रह्म कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं ये। इसलिए स्वयं भगवान भी श्रीमद् भागवत में कह रहे, शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म मम उभे शाश्वती तनु, मेरे ये दो रूप अर्थात पारलौकिक ध्वनि और श्री विग्रह का शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक रूप मेरे शाश्वत रूप है, वे भौतिक नहीं है। ओके, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हमने दिया। तो ऐसे चार प्रश्न हैं, प्रतिदिन हम एक एक प्रश्न लेंगे और ये चारों प्रश्नों का खंडन करेंगे हम। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, गौर प्रेमानंदे राधा गोपीनाथ की जय। आई विल स्टॉप द शेयरिंग। अब मैं किसी को कोई प्रश्न है तो आप रिएक्शंस में जाकर हाथ उठा सकते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा एंड देन वी कैन आस्क द क्वेश्चन। कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस? क्लियर है हम सब? एटलीस्ट जिनके वीडियोस ऑन है वो तो कम से कम थोड़ा अपना मुंडी हिलाइए, है क्या? नहीं नहीं है तो प्रश्न उठाइए। जिनके वीडियोस ऑफ है तो मैं उन्हें क्या कह सकता है, वो प्रकट ही नहीं है। ओके, अच्युत चेतना माता जी, अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे 108 उपनिषद है, तो व्यास देव जी ने जब लिखे हैं तब पहले भगवान के, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मिति परमात्मिति भगवान थी, तो कुछ उपनिषदों में निराकार की उन्होंने वर्णन किया है, तो कठोपनिषद उसी में से एक है, क्योंकि वहां पर भगवान का रूप का वर्णन नहीं किया है और निराकार बताया है। तो वो देखो, अगर हम भक्ति शास्त्री पढ़े हैं तो वहां पे क्लियरली बताया जाता है, हा? तो निराकारवादियों को या शून्यवादियों को पहले निराकारवादी में लेके आए, फिर बाद में साकारवादी में लेके आए। इस तरह से व्यासदेव ने सारे ग्रंथों की रचना की है, नहीं तो डायरेक्ट तुम रूप प्रेम के विषय में बोलोगे तो शून्यवादी तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो उनको धीरे 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 कुछ लेवल्स पर लाना पड़ता है। इसलिए कठोर उपनिषदों में भगवान के ज्यादातर निराकार रूप का वर्णन है, और उसी उपनिषदों में आगे
साकार रूप का भी वर्णन धीरे धीरे किया गया है, लेकिन ये लोग जो है सिर्फ नकारात्मक नेगेटिविटी ही भगवान का प्रस्तुत करते हैं। तो हम उसी उन्हीं के वेदों के माध्यम से, उन्हीं के उपनिषदों के माध्यम से हम भगवान को साकार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस यस ओके यस। कुसुम अग्रवाल माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। प्रश्न है तो सुझाव नहीं चाहिए, प्रश्न है कुछ? प्रश्न यही है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कि प्रभु जब एकदम छोटे बाल रूप में आते हैं और माता यशोदा के कहने से उन्होंने अपना मुख खोला तो फिर ब्रह्मांड के दर्शन हुए, फिर हम ये तो समझ में आता ही है ना कि वो एकदम मतलब किसी भी फॉर्म में प्रस्तुत हो सकते हैं। हमें समझ में आता है, हम ये सेमिनार किस लिए ले रहे हैं, ताकि हम कई लोगों के बीच में रहते हैं और कई लोग अनेक प्रकार का प्रश्न करते हैं और अपने अनुयायी बनाने का प्रयास करते हैं कि वो इस्कॉन को छोड़े, वैष्णविज्म को छोड़े और निराकारवादी बने, शून्यवादी बने। ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं कई प्रकार के, तो उनको प्रति उत्तर देने के लिए हमें इसकी तैयारी करनी जरूरी है। पहले हम विग्रह को तो समझे, ठीक समझ गया ना? नहीं समझ पाए, अभी तक भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जब कुछ अच्छा बुरा होता है तो हम भगवान को दोष देते हैं, हम इतना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, माला जप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर भी हम दुखी है, भगवान है क्या नहीं, ये शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के संग से वो हमारे दिमाग में कचरा भरते हैं। तो हमें विग्रह में विश्वास, हमारा दृढ़ विश्वास बने रहने के लिए ये हम ले रहे हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस। कोई प्रश्न किसी को और? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। ओके, धीरे धीरे ये प्रश्नों का जो क्या बोलते हैं उसको, ये बढ़ते रहेगा और हमारे उत्तर भी जो है इतने डीप में रहेंगे। बढ़ते रहेगा का अर्थ है वो तुम्हें कन्विंस करने का प्रयास करेंगे ये लोग। हम चार प्रश्न जो मैंने बताया है वो चार प्रश्न देखिए, तो चार प्रश्न कन्विंस करने के जैसे, एक प्रश्न के बाद दूसरा और भी सुपर पावरफुल होगा, तीसरा प्रश्न और भी सुपर पावरफुल होगा, चौथा प्रश्न तो और भी सुपर पावरफुल है, जहां पे हम सचमुच कन्विंस हो जाते हैं कि सचमुच भगवान नहीं है, तो उसको भी हम सुपर सुपर प्रमाण देकर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज बी प्रेजेंट, सभी को ये सेमिनार्स अटेंड करना है, और इसके बाद फिर और भी हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं विग्रह और उनकी सेवा, ताकि हम भगवान को अंतिम समय में देख पाए, उनका दर्शन कर पाए। ठीक है, क्लियर? नो क्वेश्चंस? किसी को कोई प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकते हैं और नहीं है? ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय, हरिनाम संकीर्तन की जाय, गौर प्रेमानंदे।